नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर आपका होगा टेस्ट नंबर आपका 63। जी हाँ, इसके पहले हम लोग 62 टेस्ट आपको कंप्लीट कर लिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों 62 टेस्ट। अगर आप पीछे वाला क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। और डेली 9 बजे से क्लास भी आपको मिलेगी। जी हाँ, तो ये प्रधान शिक्षक का टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है डेली रात में 9 बजे से। आज हम लोग देखने वाले हैं 75 प्रश्न जो आपका DLED से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसको पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो क्लास होती है दोस्तों रात में 9 बजे से होती है। सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप लोग 7857824310, ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर। आप इस पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी चीज़ मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो सिर्फ एक बार इसमें 351 का आपको चार्ज लगेगा। 351 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर पेटीएम के माध्यम से, या व्हाट्सएप पे के माध्यम से, अमेजन पे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना, अभी एग्ज़ाम का जो डेट है वो 28 जुलाई है, यानी कि 28 जुलाई तक आपकी क्लास चलेगी और 28 जुलाई तक आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उस समय तक आपको सभी PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करियर परिवार। आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा करियर परिवार, मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक उसमें लगभग 2400-2500 लोग आपको ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। आज आप लोग आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 75 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न जो कह रहा है, वो कह रहा है कि परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। जी हाँ, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने, हाँ जी हाँ, एरिक्सन महोदय ने कौन सा आयु समूह बताया है। जी हाँ, इसके लिए किस उम्र को बताया गया है एरिक्सन महोदय के द्वारा, यानी कि परिश्रम्यता बनाम हीनता की अवस्था किसको कहा जाता है। एरिक्सन के अनुसार तो इसको कहा जाता है 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के उम्र को कहा जाता है परिश्रम्यता बनाम हीनता। ठीक है, किसके अनुसार, तो एरिक्सन के अनुसार। ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा आपका पहला नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय, जी हाँ, मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मनोविज्ञान का संप्रदाय यानी कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, हाँ ना, बताइए कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय दोस्तों जिसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दीजिए सभी लोग। अपना लाइव जो चैट चल रहा है उसमें सभी लोग अपना कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं व्यवहारवाद। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, वो है आपका व्यवहारवाद, यानी कि मनोविज्ञान का व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इस संप्रदाय की शुरुआत जो हुई थी वो आपको 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक JB बंटवन के द्वारा ये शुरू किया गया था 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बहुत बार आपको बताए हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत दिया गया है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो BF स्कीनर के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, BF स्कीनर। ये सिंपल आपको पूछ लेगा एग्जाम में कि ये जो आपको सिद्धांत है ये किसने दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो BF स्कीनर ने दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा था कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्दृष्टि, यानी कि जो अंतर्दृष्टि है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर
ए हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित नवीन सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर महोदय ने जो प्रयोग किया था वो चूहा पे प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है जो मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के पक्ष के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। जी हाँ, आत्मा के विज्ञान के पक्ष के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा के समर्थक नहीं है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं आपका 80 का हो जाएगा दोस्तों, वो है आपको बुंट महोदय। जी हाँ, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये जो तीनों हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, डेकार्ट हैं, ये तीनों ने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की विचारधारा का समर्थन किया है। लेकिन जो विलियम बुंट है, हाँ ना, ये बुंट है, इसका पूरा नाम विलियम बुंट है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। विलियम जो बुंट हैं ये आपको आत्मा के विज्ञान के पक्ष के रूप में मनोविज्ञान ये नहीं, ये मतलब इसके पक्ष में ये नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विलियम बुंट जो हैं ये प्रायोगिक एवं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि जो विलियम बुंट हैं वो किसके जनक माने जाते हैं, तो ये पूछ सकता है प्रायोगिक एवं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। देखिए, आप अगर शुरू अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। पीछे वाला वीडियो देखने के लिए आप हमको हमारे ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका जो ये नंबर है 7857824310, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहाँ पर सभी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब चलते हैं हम 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 81 कह रहा है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा टेलीपैथी यानी कि पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, वो कौन सी शाखा है मनोविज्ञान की जिसमें टेलीपैथी यानी कि पुनर्जन्म जैसी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को कहते हैं दोस्तों अतींद्रिय मनोविज्ञान। उस शाखा को क्या कहते हैं? अतींद्रिय मनोविज्ञान कहा जाता है उस शाखा को, ठीक है, जिसमें टेलीपैथी यानी कि पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका 82 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, विचार, समस्या समाधान इत्यादि का अध्ययन करता है। जी हाँ, वो कौन सा मनोविज्ञान है दोस्तों जो मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, विचार, समस्या समाधान इत्यादि का अध्ययन करता है? तो उसको कहा जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा अच्छा प्रश्न आज आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आज का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेमचर द्वारा नहीं दिया गया? जी हाँ, क्रेमचर महोदय के द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया गया है। देखिए, प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक है क्रेमचर, जो है ये जर्मनी के हैं, है ना। तो ये प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रेमचर ने व्यक्तित्व के चार प्रकार का वर्गीकरण किया है ना, चार प्रकार का वर्गीकरण किया है, जो आपका कौन कौन से हैं? तो गोलाकाय है, सुडौलकाय है और लंबकाय है। जबकि कलात्मक, है ना, जबकि जो कलात्मक जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसका उन्होंने मतलब कि वो प्रकार नहीं बताए, है ना। क्रेमचर जो है ये कलात्मक का प्रकार नहीं बताया है, क्रेमचर चार प्रकार बताए जिसमें सुडौलकाय है, लंबायकाय है और गोलायकाय इसमें शामिल है आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, क्योंकि आपको नहीं पूछ रहा था यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का नहीं है? जी हाँ, वो कौन सा कह रहा है कि अधिगम, कौन सा अधिगम जो है वो अक्षम बालकों का नहीं है? तो 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। जी हाँ, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, यानी कि अधिगम अक्षमता से आशय क्या आशय होता है इससे? तो इसका आशय ये है कि अधिगम योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से होता है। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो 1963 ईस्वी में प्रयोग किया गया था, सैमुअल किर्क ने किया था इसका सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 85 की विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? जी हाँ, विकास की वो कौन सी अवस्था है जब समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है, मतलब समान लिंग के, है ना, स्त्री और पुरुष का।
तो 85 का हो जाएगा दोस्तों आपका एंसर नंबर ए, यानी कि 12 से लेकर के 14 वर्ष तक, 12 से 14 वर्ष तक की अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि एवं मित्रता विकसित होती है और इस अवस्था में सहयोग जिज्ञासा की प्रबलता, सामाजिक एवं जिम गुणों का विकास होता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है और गुणों का भी यहाँ पर विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 86 नंबर। 86 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। 86 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, है ना, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका 87 नंबर प्रश्न। 87 कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर जवाब दीजिएगा। एग्जाम हॉल में ना आप एक ऑप्शन पढ़ करके कभी भी जवाब मत दीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद निष्कर्ष निकालिएगा, तब जा करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक दे करके पढ़ के निकल दीजिएगा तो गलत होने का 100% संभावना रहेगा। 87 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल्यावस्था की अवधारणा से ये अभिप्राय है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है आपका। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 88 नंबर। 88 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। दोस्तों मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पर कौन सी विशेषता है बताइए, मध्य बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता। हमारे यहाँ देखिए आपको प्रधान शिक्षक की ना पूरी तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पर DL.ED हो रहा है, सामान्य अध्ययन हो रहा है, रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर, सारा चीज़ आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बच्चे जो हैं वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में, है ना। मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं ये मूर्त रूप से सोचना और तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए बाल्यावस्था का जो उम्र होता है ना वो कब से कब तक होता है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र को कहते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। और बाल्यावस्था को ही तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कहा गया है उसको पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था का जो उम्र होता है दोस्तों वो 6 से लेकर के 8 वर्ष तक होता है। उसके बाद होता है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था को कहते हैं 8 से लेकर के 10 वर्ष तक। और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो सबसे लास्ट वाला होता है, तो वो होता है 10 से लेकर के 12 वर्ष तक। ये तीन भागों में बांटा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है, और ये तीनों भाग को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था मध्य बाल्यावस्था, तो मध्य बाल्यावस्था यानी कि 8 से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ये तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर। कह रहा है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी, मतलब कि यहाँ कह रहा है द्वितीय एजेंसियाँ हैं या मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ हैं या प्राथमिक एजेंसियाँ हैं या मध्य एजेंसियाँ हैं। परिवार और पास पड़ोस क्या है, तो परिवार और पास पड़ोस जो हैं ये हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियाँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है, अपने फिर उसके बाद आस पड़ोस में सीखता है और उसके बाद जा करके वो विद्यालय में सीखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक एजेंसियाँ हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, जी हाँ ये वाइगोत्स्की महोदय हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है, किसके अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है कि जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों खोजपूर्ण अधिगम। इसको क्या कहते हैं, खोजपूर्ण अधिगम। यानी कि जो वाइगोत्स्की थे ना ये कहाँ के थे, तो याद रखिएगा ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की के अनुसार जो खोजपूर्ण अधिगम है एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएँ पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती है तथा अंतःक्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 91 नंबर। कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में
जन सामान्य को अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जी हाँ, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएँ। यानी कि समाज के विकास के लिए जेंडर समानता आवश्यक है, है ना। जब तक समाज का अगर विकास आप करना चाहते हैं तो जेंडर में समानता होनी चाहिए, है ना। स्त्री और पुरुष में, है ना, मेल और फीमेल में कोई भी वहाँ पर असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समानता होगा तभी समाज का विकास हो सकता है। कह रहा है कि जिसमें महिला और पुरुष क्या है, तो समाज का मूल आधार होते हैं, जिसकी समानता से एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देश में लैंगिक भेदभाव बहुत व्यापक एवं पारस्परिक रूप से कार्य कर रहा है अभी, है ना, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें सुधार भी हो रहा है और सभी लोगों को सुधार भी करना है, है ना, और ये शिक्षित लोग के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम 92 नंबर प्रश्न। 92 कह रहा है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता जो है वो घर के कार्यों में लगा रहता है और माता जो है वो साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाह रहा है ना। यह जेंडर रूढ़िवादिता जो है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए इस प्रकार के पाठ्यचर्या में शामिल किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो साहसी कार्य कर रही है, मतलब कि जो महिलाएं वो कुछ भी काम कर सकती है ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घर में ही काम कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम, मतलब इस प्रकार की चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है आपको, है ना। और पिता को क्या कर रहा है, तो पिता को सिर्फ घर में काम कराया जा रहा है, मतलब कि जो पिता है वो घर के काम भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं आज के वर्तमान समय में देख सकते हैं, और बाहर के काम भी कर सकते हैं, महिलाओं भी उसी प्रकार की कर सकती है। यानी कि जो रूढ़िवादिता चलते आ रहा है इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर। 93 प्रश्न कह रहा है, कि हार्वर्ड गार्डनर, जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया है, है ना। और इसके अनुसार तार्किक एवं गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। जी हाँ, गार्डनर महोदय के अनुसार तार्किक और गणितीय बुद्धि वाले जो एक व्यक्ति है उसकी विशेषता क्या हो सकती है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का आंसर नंबर ए, यानी कि पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। जी हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। उसके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। किसके अनुसार, तो गार्डनर के द्वारा। और प्रत्येक जो बुद्धि होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर ने कहा है कि सिद्धांत वैज्ञानिक पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न आपका 94 नंबर। 94 में आ गया आपका जीन पियाजे महोदय जी आ गए हैं। चलिए, जीन पियाजे से इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा चुका है, है ना, गार्डनर से करवाया जा चुका है, वाइगोत्स्की हो गया आपका, पावलोव हो गया, है ना, बुंड हो गया, बहुत कैटल महोदय हो गए, सभी के द्वारा आपको प्रश्न उत्तर और इसका पूरा डिटेल से आप लोग को करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग को देखते 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 पूरा याद हो जाए जब तक एग्ज़ाम ना हो, और याद करवा करके ही आप लोग को छोड़ेंगे। बस आप लोग रेगुलर हमसे हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आप इसको वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ के माध्यम से इसको टेस्ट दे दीजिए, है ना, तब पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, है ना, कितना पानी में हैं, आप पानी में डूब रहे हैं कि मतलब कि तैरना आ गया है आपको, ठीक है। चलिए 94 का हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है।
ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताया गया है, तो 4 अवस्थाएं बताया गया है। ये सब चीज़ आपको डिटेल में बता दिया गया था। कह रहा है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है दोस्तों कि बच्चे में कब विकसित होता है। तो ये जो विकास होता है वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसका विकास होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी फटाक से कि अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी उम्र सीमा क्या है। मैं परसों ही बताया था इसके बारे में कि इसकी उम्र सीमा क्या है, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया था। चलिए सभी लोग बताइए कमेंट करके। अगला सवाल चलते हैं आपका 95 नंबर, फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ पर भरना है। कह रहा है किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जी हाँ, किसके अनुसार, है ना, वो कौन से महोदय हैं, वैज्ञानिक महोदय हैं, 95 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। लेव वाइगोत्स्की जो थे ये सोवियत संघ के थे, यानी कि वर्तमान में इसी को रूस कहा जाता है ना, ये सोवियत संघ के थे, मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। अगला सवाल चलते हैं आपका 96 नंबर। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार तथा क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है। बताइए वह प्रक्रिया कौन सी है, तो वो जो प्रक्रिया है वो है समाजीकरण है। समाजीकरण के द्वारा ही दोस्तों, यानी कि समाजीकरण ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि इत्यादि को सीखता है, है ना। और जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है और समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक और अभौतिक रूपों में परिचय कराती है और इस प्रक्रिया में बच्चों के आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 97 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा, जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, NCF 2005, इसके बारे में आपको PDF भी दिया गया है और इसके बारे में बहुत बार बताया भी गया है। NCF 2005 के बारे में, NCF जो 2005 कहता है कि बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। NCF 2005 में किस चीज़ पर बल दिया गया था, तो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष करके ध्यान दिया गया था। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी जो है, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कई बार आपको बताया गया है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी जो उम्र सीमा कितनी है, तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था, है ना, कई बार आपको बताया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल कौन कौन सा है, है ना, प्रमुख कौशलों में से एक आपको बताना है। तो वो जो एक है वो हो जाएगा आपका सुरक्षित रखने की योग्यता, है ना। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियों या कौशल शामिल होते हैं। उसमें अहम केंद्रिता होता है, व्याख्या या स्पष्टीकरण की योग्यता होता है, सुरक्षित रखने की योग्यता होता है और क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता होता है और रूपांतरण व वर्गीकरण इत्यादि की भी योग्यता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो जितने मैंने अभी योग्यता आपको बताए, 5 योग्यता आपको बताए थे, 5 योग्यता में आपको सुरक्षित रखने की योग्यता भी शामिल है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 99 नंबर। देखिए इसी प्रकार से घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो लगेगा कि ये कहाँ से आ गया है, ये कहीं से नहीं आया है, ये यहीं से आया है। जी हाँ, तो जितना आप लोग को करवाया जा रहा है बस उतना करते चलिए आँख बंद करके, है ना। बस आप लोग देखिएगा रिजल्ट आपको 100% हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार हमसे जुड़े रहिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है उससे आप आराम से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चल रहा है, हम लोग चलते हैं 99 नंबर। कह रहा है कि एक समस्या को मूल अथवा अपसारी समाधानों के साथ, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। जी हाँ, मूल एवं अपसारी समाधानों को एक साथ करने की योग्यता को कह रहा है कि किसकी एक प्राथमिक विशेषता होती है, तो ये होती है आपको सृजनात्मक बच्चों में, है ना। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, है ना, उसमें इस प्रकार की अवस्थाएं विशेषताएं पाई जाती है आपका, है ना। कि यानी कि मूल और अपसारी साधनों को एक साथ करने की, मतलब कि एक साथ वो दो दो काम कर लेता है, है ना। कौन बच्चा करेगा, तो सृजनात्मक बच्चा करेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में तो कई बार आप लोगों को डिटेल से बताया गया है। अब चलते हैं 100 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, समावेशी कक्षा में कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण को समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक एवं सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 101 नंबर प्रश्न। कह रहा है वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंतजार किस बात का है, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलती है आपकी, ठीक है। डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको 9 बजे से क्लास मिल सकती है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, ऑप्शन देख करके बताइए। 101 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। जी हाँ, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ये अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान प्रदान करना होता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति किसी विषय या समस्या पर कई तरीकों विचार पूर्वक या विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन करना एवं उदाहरणों इत्यादि के माध्यम से अधिगम को सार्थक व सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 102 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलिए 102 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। जी हाँ, संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया हुआ है ना, आपके पास 2 सेकंड समय है, आप ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए, संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता वो कौन सा है, तो 102 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि अध्यापक जो है वो विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों का लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ये आपका अनुकूल नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 103 नंबर, 103 मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओहो हाँ, 3 प्रश्न कह रहा है कि जंजोक का यह मानना है। जी हाँ, जंजोक महोदय हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक ही हैं। कह रहा है जंजोक का मानना है कि संज्ञान और भाव, जी हाँ, संज्ञान और भाव दोनों क्या होते हैं। देखिए, जंजोक जो महोदय है ये आपको अमेरिका के वैज्ञानिक है ना, ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये है आपको USA के, यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। इनका मानना है कि
इनका जो पूरा नाम भी याद रखना है, रॉबर्ट जंजोक, है ना, रॉबर्ट, रॉबर्ट जंजोक। देखिए ऐसा नहीं है कि ये इसके बारे में आपको सिलेबस में नहीं दिया गया तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, है ना, ये सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता, यानी कि जंजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, इनका क्या मानना है कि ये दोनों क्या होते हैं, तो आपस मतलब कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर, कह रहा है कि एक समस्या सुधारक बच्चा, एक समस्या सुधारक बच्चा देना है, अच्छा, विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कह रहा है कि एक समस्या सुधारक बच्चा जो होता है वो अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तार्किक, है ना, तार्किक रूप से वो मतलब कि इसका मूल्यांकन करता है, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर, कह रहा है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय, जी हाँ, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपको ड्रिल और अभ्यास कार्य। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं, ड्रिल और अभ्यास कार्य इसको कहा जाता है, यानी कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, और ऐसे कार्य जो होते हैं वो सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं ना, तभी तो बच्चे उसको मतलब कि आनंद लेते हुए कर रहे हैं, यानी कि स्वयं करके सीखो और सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। एक सिद्धांत आप पढ़े होंगे स्वयं करके सीखो, तो वो भी सिद्धांत जो है इसी पर आधारित होता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में जो बच्चा है वो स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसको कहते हैं ड्रिल और अभ्यास कार्य। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर, कह रहा है आपका 106 नंबर प्रश्न है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम, जी हाँ, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम को क्रोप्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो 106 का आंसर क्या होगा, देखिए बहुसंवेदी शिक्षण जो है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधन, जी हाँ, गतिबोधन, गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग इसमें करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर, देखिए आप लोगों को जो तैयारी करना है ना वो किस प्रकार से करना है, एक तो मैं वीडियो बना देता हूँ, है ना, लाइव जो आप देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इसको आप समझ लिए, है ना, देख लिए, इसके बाद जो इसका पीडीएफ हम आपको बाद में दे देते हैं, है ना, इसका पीडीएफ जो आपको एक दो घंटा चार घंटा बाद जो मिल जाता है, ठीक है, तो पीडीएफ को फिर आप एक बार बनाइए, है ना, पीडीएफ को कैसे बनाना है, तो एक मार्केट में मिलता है दोस्तों ओएमआर शीट, ठीक है, ओएमआर शीट एक मिलता है 5-10 रुपए में देगा, तो वो वाला खरीद लीजिएगा और उसमें फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और नीचे जो आंसर दिया गया है उसको चेक कीजिएगा, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया और क्या गलत किया, क्यों गलत किया, वीडियो में आप जा करके मिलाइएगा, तो वहाँ से आपकी उस प्रकार से तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो बता देते हैं उसको आप अलग से कॉपी में टेस्ट वाइज वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तो ये होगा मेन तैयारी करने का तरीका, ठीक है। चलिए तो 107 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास क्या दर्शाता है, जी हाँ, अग्रांगों की ओर जो विकास है ये क्या दर्शाता है, केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर, जी हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय भाग से परिधियों को ओर, यानी कि विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत इसको कहते हैं ना, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 108 नंबर, कह रहा है आपका प्रश्न कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है, जी हाँ, स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ 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 प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, जी हाँ, प्रमुख स्थान किसका होता है, स्कूली बच्चों का होता है, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी कि एक स्कूल बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है, स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी।
अगला है आपका 109 नंबर, कह रहा है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, जी हाँ, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि समूह की पहचान का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह में जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है और इससे समूह आज्ञाकारिता या समूह निर्देश अनुपालन या समूह के अनुरूपता का प्रदर्शन होता है आपका, नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं हम 110 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास चरण में प्राप्त होती है। जी हाँ, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस मतलब विकास के चरण में प्राप्त होता है दोस्तों? तो 110 का हो जाएगा आपका संवेदी गामक, यानी कि 0 से 2 वर्ष में, यानी कि बच्चे जन्म लेता है और उससे लेकर के 2 वर्ष तक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 111 नंबर, कह रहा है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? जी हाँ, क्रेसमर महोदय के द्वारा तो व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो 111 का आंसर क्या होगा? देखिए, 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कृशकाय, यानी कि दुर्बल, यानी कि सुडोलकाय और गोलकाय सभी में इन्होंने बांटा गया था इसके द्वारा, क्रेसमर महोदय के द्वारा, ठीक है। सुडोलकाय में बांटा गया है, गोलकाय में बांटा गया है और दुर्बल में भी बांटा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होती है? दर्पण चित्र परीक्षण, जी हाँ, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका जो प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों आपको अधिगम अंतरण में। जी हाँ, इसका प्रयोग करते हैं अधिगम अंतरण में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट, अभी आप लोग ऊपर देखें कि दर्पण चित्र परीक्षण, तो इसका प्रयोग होता था अधिगम अंतरण में, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो प्रयोग होता है वो किसको मापने में किया जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व मापन में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? जी हाँ, TAT परीक्षण, 16 PF परीक्षण, या फिर रेवेन का परीक्षण, या फिर ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो 114 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रेवेन का जो परीक्षण है दोस्तों वो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए, रेवेन का जो परीक्षण है वो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, क्यों? क्योंकि जो इसका संबंध है वो शिक्षण में वर्बल और नॉन वर्बल अधिमूव्ड को मापने हेतु किया जाता है, जबकि अन्य तीनों का जो संबंध है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। जी हाँ, ये जो TAT परीक्षण है, 16 PF परीक्षण है, या ड्रॉ AMN परीक्षण है, ये किसका मापन करता है? तो मनोविज्ञान परीक्षण से संबंधित है। लेकिन जो रेवेन का जो परीक्षण है दोस्तों, ये वर्बल और नॉन वर्बल से संबंधित होता है, तो इसी वजह से ये अलग है शेष तीनों से, है ना। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न है आपका 115 नंबर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, है ना, 115, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था 114 नंबर। 115 से एक सवाल आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कह रहा है कि 5 वर्ष के मोहन बस मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, है ना, गुने 100 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला होता है। अब मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? तो कह रहा है कि 5 वर्ष का मोहन है और मानसिक आयु कितना है? तो 8 वर्ष है, यानी कि मानसिक आयु हो गया 8 वर्ष और 5 वर्ष का मोहन है, यानी कि वास्तविक आयु कितना हो गया? 5 वर्ष है, और इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिएगा तो 25 यानी कि 28 कितना हो गया? 160 है, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? तो 160 हो गई। तो इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 116 नंबर। 116 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रॉसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, जी हाँ, रॉसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो मापन होता है दोस्तों वो होता है आपका व्यक्तित्व मापन में, इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 117 नंबर की वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एक
एकत्र करने और विभाजित करने, प्रस्तुत करने की तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो 117 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सांख्यिकीय, उसको कहते हैं सांख्यिकी, यानी कि वह विज्ञान सांख्यिकीय है जो संख्यात्मक आंकड़े का संग्रह करता है, विभाजित करता है, प्रस्तुत करता है, तुलना करता है, व्याख्या करता है, है ना, ये सब क्या है? तो सांख्यिकीय आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 118 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े बच्चों के लिए, जी हाँ पिछड़े बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? जी हाँ शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी पिछड़े बच्चों के लिए? ऑप्शन है गार्डनर महोदय ने, सोनेल ने दिया था, या फिर बर्टन हॉल ने दिया था, या सिरिल बर्ट ने दिया था। 118 का हो जाएगा सिरिल बर्ट। जी हाँ ये जो अवधारणा दिया गया था सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दिए थे, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तभी आपको इसका सूत्र बताए थे, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, यानी कि ऑप्शन क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मानसिक आयु दे देगा और वास्तविक आयु यहाँ पर पूछ लेगा आपको, या फिर वास्तविक आयु दे देगा यहाँ पर मानसिक आयु पूछ लेगा, है ना, या फिर दोनों दे देगा बुद्धि लब्धि पूछ लेगा, ठीक है। दो आपको दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर निकालना रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 120 नंबर, कह रहा है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? जी हाँ आगमनात्मक तर्क यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो कल्पना इसमें शामिल नहीं होता है दोस्तों, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें अवलोकन होता है, चिंतन होता है, है ना, चिंतन इसमें लिख लीजिएगा, है ना, इसमें चिंतन होता है, इसमें आपको चिंतन के विभिन्न रूपों होता है और उसका प्रकार इसमें शामिल होता है, यानी कि प्रयोग भी शामिल है, समानीकरण भी शामिल है, कल्पना इसमें शामिल नहीं होता, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 121 नंबर, कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितना है? जी हाँ एक 16 वर्षीय बच्चा है, जी हाँ इसका वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है और इसका मानसिक आयु आपको पूछ रहा है, है ना, मानसिक आयु वास्तविक आयु, सॉरी मानसिक आयु बटा होता है ना, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा जो है 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु कितना होगा ये आपको पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे बताइए सभी लोग। अब देखिए इसको 75 दिया हुआ, यानी कि बुद्धि लब्धि जो है इसका 75 आपको है, ठीक है। अब 16 वर्षीय है तो मानसिक आयु आपको निकालना है, तो मानसिक आयु क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा, ठीक है, और वास्तविक आयु नीचे में रहेगा, वास्तविक आयु कितना है? 16 है, और इसको गुना क्या कर देंगे? गुना 100 कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसको गुना कर दीजिए 75 में से 16 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर आपको जितना आएगा उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकल जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 121 का आंसर हो जाएगा आपका, 121 का आंसर नंबर ए, यानी कि 12 वर्ष इसका आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको निकाल करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर ए होगा इसका, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, कह रहा है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? जी हाँ तीनों से यहाँ पर कौन भिन्न है? TAT परीक्षण, 16 PF या ड्रॉ ए माइन टेक्स्ट, या फिर क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट है? तो 122 का आंसर क्या होगा? देखिए 122 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट, यानी कि TAT परीक्षण के माध्यम से न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। 16 PF स्टडी बच्चों के लिए एक अलग प्रकार का परीक्षण है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो छात्रों में किसी वस्तु के आकार या प्रकार को ध्यान में रख करके उसका चित्र बनाने का परीक्षण है, और ड्रॉ ए मेन टेक्स्ट है जो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? जी हाँ तो विकासात्मक कार्य के जो प्रतिपादक थे वो थे आपका हैविंग हर्स्ट महोदय थे, ठीक है ना, हैविंग हर्स्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 124 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के उध्र्व उपागम का उपयोग किया जाता है? जी हाँ किसमें अन्वेषण के उध्र्व उपागम का प्रयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं? 124 का हो जाएगा सर्वेक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सर्वेक्षण विधि में उध्र्व उपागम का प्रयोग किया जाता है और इस विधि में सामान्यतः सर्वे के आधार पर शैक्षिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट 125 नंबर कह रहा है कि जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी न परिस्थिति में उसके सीखने
तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए 125 का क्या हो जाएगा दोस्तों? कह रहा है कि जब एक व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उस परिस्थिति को अधिगम का अंतरण कहते हैं, है ना। उस परिस्थिति को कहते क्या है तो अधिगम का अंतरण उसको कहा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 126 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जी वालस के अनुसार, जी हाँ जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी हाँ, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है तो 126 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि उपक्रम होता है। ठीक है, यानी कि ग्राहम वालस, जी हाँ जी वालस मतलब ग्राहम वालस, है ना। ग्राहम वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है वो उपक्रम यानी कि तैयारी होता है। ठीक है, उन्होंने सृजनात्मक विचारों के लिए मतलब विचारों के लिए चरण बताए हैं जो क्रमशः इस प्रकार है, एक तो तैयारी है, है ना, याद रखिएगा तैयारी इसका जो क्रम था तैयारी है, दूसरा बताए थे उपक्रम, है ना, दूसरा था आपका उपक्रम और तीसरा था आपका ऊष्मा देना, तीसरा था ऊष्मा देना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया था अस्पष्टता, ठीक है अस्पष्टता, ठीक है, और बताए थे सत्यता। ठीक है, तो ये क्रम था इनका सत्यता, आप याद रखिएगा ये क्रम आपका तैयारी है, उपक्रम है, उष्मा देना है, स्पष्टता है और सत्यता है। किसके अनुसार? तो ग्राहम वालस के अनुसार। अगला सवाल है आपका 127 नंबर प्रश्न, यहाँ पर खाली स्थान है, बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, बताइए, कई बार आपको बताए हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 127 का हो जाएगा थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना, थॉर्नडाइक ने ही, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनके अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति जो है वो एकदम नहीं सीख पाता है। जब वह कार्य सीखने की प्रक्रिया आरंभ करता है तो कई कठिनाइयां सामने में आती हैं और जिससे वह कई गलतियां भी करता है और बार बार भूल और भूल को सुधार करना ही प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 128 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व के व्यक्ति के अंतर्गत उस मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो ये जो परिभाषा दिया गया है दोस्तों ये आपको G.W. अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये परिभाषा आपको याद रखना है, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, व्यक्तित्व का परिभाषा है ना। चलिए, व्यक्तित्व निर्धारण संबंधी यह परिभाषा G.W. अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 129 नंबर, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो हो जाएंगे कोहलर महोदय, है ना, गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, है ना, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी कोहलर महोदय। अगला है आपका 130 नंबर प्रश्न है कि वुडवर्थ, जी हाँ बहुत बार पूछा है वुडवर्थ के बारे में, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये आपको अगर कोई बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अलग से जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है ना एंट्रेंस में, उसमें भी काम करेगा आपको, सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले उसमें काम करेगा, है ना, सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, एसटेट हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सबके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, है ना। लेकिन अभी जो करवाया जा रहा है वो मेन रूप से प्रधान शिक्षक के लिए, उसी के अनुसार करवाया जा रहा है और यही सब सिलेबस आपको वो सब में भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दे दीजिए कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका तर्क करना। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना जो है दोस्तों ये स्मृति का आयाम नहीं आता है, वुडवर्थ ने कल्पना और स्मृति को अनुभवों का संबंध मतलब माना है, है ना, बताया गया है अनुभवों का संबंध है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है 131 नंबर का, एक निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको मतलब साइंस से संबंधित है, है ना, साइंस से संबंधित है, मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, है ना, ये याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, मुख्य ग्रंथि भी इसको कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, है ना, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि जो है ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुख्य अधिकारी। ठीक है, अगला है आपका 132 नंबर प्रश्न है कि अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जब ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, और ये दिया गया है आपको 132 का हो जाएगा स्कीनर के द्वारा।
ठीक है, यानी कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा ही आपको दिया गया था, और यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंध पर आधारित है जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है 133 नंबर, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है? दोस्तों सबसे अच्छा मापन कौन सा है, तो वो है अनुपात। अनुपात जो है सबसे अच्छा मापन यहाँ पर माना जाता है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, मात्र आधा लोग ही करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं, पता नहीं उन लोग को लगता है थोड़ा सा कुछ दुश्मनी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बगल में जो लाल बटन है ना उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो काला हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपका, अगला सवाल है आपका 134 नंबर, 134 है, और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7857824310। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए 134 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 134 कह रहा है कि यहाँ पर खाली स्थान भरना है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है। 134 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि वंशानुक्रम जो है ये जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 135 नंबर, कह रहा है कि प्रयत्नों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। जी हाँ, प्रत्ययों का बनते रहना, जी हाँ प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। तो 135 का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रत्ययों का बनता रहना एक संचयी प्रक्रिया है ना, ये क्या है, तो एक संचयी प्रक्रिया है, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है 136 नंबर, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु, जी हाँ प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और समूह और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसको कहते हैं दोस्तों मध्यमान, इसको क्या कहा जाता है, 136 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर मध्यांक कहते हैं, मध्यमान नहीं, इसको कहते हैं मध्यांक। ठीक है, यानी कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधा और जिसके ऊपर समूह के आधा, उसको कहेंगे मध्यमांक, है ना। चलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है 137 प्रश्न है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियां को कौन सी विधि कहा जाता है। दोस्तों तो आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि स्तंभाकृति इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्तंभाकृति विधि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की एक प्रमुख विधि है, और इसमें प्रत्येक वर्गांतरण की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 138 नंबर, प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन किसका है। भेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कथन किसका है भाई, तो ये जो कथन है वो है आपका वुडवर्थ महोदय का। किसका कथन है, वुडवर्थ महोदय का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 139 प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास में, जी हाँ मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कौन सा है। दोस्तों सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, कौन सा संबंधित है दोस्तों, सुप्तावस्था से, तो सुप्तावस्था हो जाएगा आपका यौवन 6 से यौवन तक, ये आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 140 नंबर, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताइए मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर एरिक्सन महोदय। जी हाँ, यानी कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन द्वारा किया गया था, और इस सिद्धांत में व्यक्तिगत सांवेगिक तथा सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 141 नंबर, प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, जी हाँ अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन पढ़िएगा और इसका जवाब जरूर दीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ करके ही जवाब दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। देखिए अगर आपको फास्ट लग रहा हो ना तो थोड़ा सा ये पॉज भी कर दीजिएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और तब इसका जवाब दीजिएगा। किसी भी प्रश्न को वैसे ही कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए उसको पॉज कीजिए और ऑप्शन पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए।
ठीक है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़िएगा तभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा, है ना। मैं तो तुरंत आपको आंसर बता देता हूँ, अगर चारों क्वेश्चन हम ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का हो जाएगा, है ना, कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा आप लोग को, है ना। 141 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। अगला सवाल है आपका 142 नंबर, कह रहा है कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। निचली कक्षाओं की बात कर रहा है ना, जो बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं खेलते हैं और दूसरों के साथ जो है खिलौना क्या कर रहा है, बांट रहा है। कह रहा है कि इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास हो रहा है। जी हाँ, बच्चे जो हैं आपस में खिलौने को बांट कर खेल रहे हैं, तो ये समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास हो रहा है। इसमें 142 का हो जाएगा एकता और सहयोग की भावना का विकास हो रहा है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं विभिन्न प्रकार के जो खेल क्रियाओं में अपने खिलौने को दूसरों के साथ करके मिल बांट करके खेलते हैं। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है और बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर खेलते हैं तो उनमें एकता और सहयोग की भावना पनपती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला है 143 नंबर प्रश्न है कि निबंधात्मक प्रश्न, जी हाँ निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई, संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ऐसे प्रश्नों का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों 143 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बच्चों का भाषाओं में लिखने की जाँच करना। जी हाँ, निबंधात्मक प्रश्न की बात कर रहा था, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न का जो उत्तर है एक या दो पृष्ठ में हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक लाइन में लिख दीजिएगा, निबंध वाला प्रश्न है तो कम से कम एक पन्ना या दो पन्ना तो लगेगा ही लगेगा। और इन प्रश्नों का उद्देश्य क्या है कि बच्चा का जो भाषा में लिखने का परीक्षण करना होता है ना, भाषा में उसको मतलब कि विकास करना होता है। कह रहा है कि इसके अलावा अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान और उनके आपस का संबंध निर्धारित करना होता है आपका, इसीलिए निबंधात्मक प्रश्न दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 144, कह रहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता यहाँ पर नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना ये बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द आ गया है, बिल्कुल ही गलत, रॉन्ग ये ऑप्शन हो गया आपका। जहाँ केवल वाला ऑप्शन देखिए ना, उसको खट से काट दीजिए, है ना, देर बिना देर किए भी उसको काट दीजिए, वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, किस कथन से पता चलता है। चार ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। 145 का हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। जी हाँ, उपयुक्त सभी कथन से, यानी कि व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, या बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति में मार्गों प्रशस्त किया जाता है, या अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके, यानी कि ये सभी सही है। अगला है आपका 146 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जी हाँ, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने हेतु एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए दोस्तों। 146 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से सचेत रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 147 नंबर 147 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए इसका जवाब दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824।
4310। आपको डीएलएड से संबंधित या फिर आपको समान अध्ययन से संबंधित, आपको करेंट अफेयर से संबंधित सभी का आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपका, ठीक है। 7857824310 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वहाँ पर सभी पीडीएफ नोट्स वीडियो आपको मिल जाएगा और डेली 9 बजे से क्लास भी मिलेगी आपको, है ना। चलिए 147 कह रहा था प्रश्न की निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। जी हाँ, थॉर्नडाइक द्वारा नहीं कह रहा है दोस्तों, तो कौन सा प्रतिपादन नहीं था थॉर्नडाइक का, 147 का हो जाएगा डी, यानी कि सीखने का प्रबलन सिद्धांत। जी हाँ, सीखने का प्रबलन सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का नहीं था, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। जी हाँ, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र जो प्रवृत्ति है ये किस अवस्था की ओर संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैसवावस्था। सैसवावस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के कहा जाता है सैसवावस्था। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर प्रश्न। चलिए 149 प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, एक आप शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं और अनुसूचित जाति यानी कि SC का बच्चा है, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार कीजिएगा। तो अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि अनुसूचित जाति या समुदाय को ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से थोड़ा बाहर रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसको हम लोग सभी को मुख्य धारा से जोड़ करके चलना है, सभी को एक समान चलना है, तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता यहाँ पर हमको देते हुए चलना है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम की प्रकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया, किसने किया था, है ना। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 50 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर कर्ट लेविन के द्वारा ये किया गया था, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। प्रकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादक कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, है ना। यहाँ से आप टेस्ट के रूप में इसको दीजिएगा और यहाँ से मिलाइएगा तो कितना आप सही किए हैं। जी हाँ, तो ये हमारा जो है प्रधान शिक्षक का टेस्ट चल रहा है डेली रात में 9 बजे से, और ये जो नंबर दिख रहा है यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF लेने के लिए आपको 351 का पेमेंट करना होगा, सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, कोई भी मंथली चार्ज नहीं है, कोई भी अलग से चार्ज नहीं है, और जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको PDF नोट्स वीडियो सब चीज़ आपको मिलता रहेगा। डेली जो क्लास हो रही है दोस्तों वो रात में 9 बजे से हो रही है, और जो आपको पेमेंट करना है वो आपको इसी नंबर पे करना है। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, तो पे फोन कैसे कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम या व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमको इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और ये हमारा दोस्तों आपका करियर परिवार हमारा यूट्यूब चैनल है, है ना। इसी को देखिए, आपको करियर परिवार करियर पॉइंट लिखा हुआ होगा ना, CAREE, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। इसी पहले नाम था करियर पॉइंट, और इसी का नाम अब बदल करके कर दिया गया है करियर परिवार, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये दूसरा चैनल है, ये मेरा ही है, ठीक है। करियर पॉइंट या करियर परिवार दोनों हमारा ही है, ठीक है। चलिए, और फिर हम मिलेंगे कल जो आपकी क्लास होगी वो 64 नंबर होगी, कल 64 होगी, और कल हम लोग देखेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ के सवाल देखेंगे 75 प्रश्न, और ये आज हम लोग DLED देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 63 खत्म हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।